नहीं कुछ नहीं सर, ये आदमी। सर मैं बताता हूं, 2 घंटे से मैं अपने गुमशुदा भाई की रिपोर्ट लिखाने की कोशिश कर रहा हूं और कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। मैं पूछ सकता हूं, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए आप आइए मेरे साथ। महमूद भाई जरा चाय बोल दो। सिगरेट? जी नहीं। देखिए अपने लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, पर यकीन मानिए सब पुलिस वाले एक से नहीं होते। सर इस वक्त मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच रहा हूं। छोटा है आपसे? जी हमारे बीच में झगड़ा हो गया सर। वैसे तो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, एक्चुअली मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया, इसी का बुरा मान गया वो। उसे घर तो आ जाना चाहिए था सर। मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछा लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम, समझ में नहीं आ रहा सर। मैं सब जगह ढूंढ चुका हूं। सब जगह से आपका मतलब? कॉलेज, कैंटीन, दोस्तों के घर, हॉस्पिटल्स। भगवान न करे उसे कुछ हो गया हो, पर फिर भी हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो या फिर गुस्से में आके उसने कुछ करने की कोशिश की हो। देखिए परेशान ना होइए, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। उसका कोई फोटोग्राफ है आपके पास? जी जल्दबाजी में भूल गया। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए आप बाहर जाके बाकी के डिटेल्स लिखवा दीजिए और जल्द से जल्द उसका कोई फोटोग्राफ हमें भेज दीजिए। हम अपना काम शुरू कर देते हैं और तब तक आप भी हॉस्पिटल्स वगैरह में फोन करके पूछताछ कीजिए, ठीक है? हेलो जीजे हॉस्पिटल, आपके पास कैजुअलिटी में कोई केस आया? अरे तो फिर इमरजेंसी में चेक कीजिए ना प्लीज। अनुज? जी अनुज श्रीवास्तव। एज? यही कोई 22 साल का होगा। नहीं नहीं मोटा नहीं है। थैंक्स। हेलो। हेलो अमित भैया है वहां पर? हाँ है ना, क्यों कुछ पता चला क्या? हाँ जरा उनको फोन दे, जरूरी बात करनी है। हाँ देता हूँ। अच्छा सुन एक काम कर। हाँ? तू जितनी जल्दी हो सके भैया को लेकर यहाँ पर आ जा। कहाँ? ओके साहब, जरा एक बार इनको भी बॉडी दिखा देंगे क्या? रे इधर मुर्दे लोग का नुमाइश लगा है क्या? कभी खुद आता है कभी अपने दोस्त लोगों को लेके आता है। चल अभी सुबह आना। भाई साहब प्लीज, वो उसके बड़े भाई है। प्लीज भाई साहब सिर्फ 2 मिनट के लिए खोल दीजिए। जल्दी करना अभी। तुम लोगों की वजह से मेरी लास्ट ट्रेन छूट गई ना, तो टैक्सी का भाड़ा भी तुम्हारे से ही लूंगा मैं। तेरे को अंदर आने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? हाँ? अंदर आ जा और मुर्दे का चेहरा देख ले साला। इस सड़ी हुई लाश के सामने अपन जिंदगी भर खड़ा नहीं रह सकता यहां।
ड्रग केस में इनकाउंटर हुआ है साले का, सरकारी गोली लगी है सीने में, माल लेके सटक रहा था, पुलिस ने 2 इंच का होल करके सुला दिया साले को। अभी देख कैसा बास मार रहा है सड़ेले कुत्ते की। तो आई कार्ड और ये उसका पर्स, ये सब सामान हमें डेड बॉडी से बरामद हुआ है। साहब यहां दस्तखत कीजिए। जिस भाई को बचपन में कंधे पे उठा करके घुमाया हो, उसी भाई की लाश को कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत हिम्मत चाहिए। खुदा आपकी हिम्मत बरकरार रखे। दिवंगत का नाम क्या है? अनुज श्रीवास्तव। ओम ऋग्वेदराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। दिवंगत के पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय दीनानाथ श्रीवास्तव। स्वर्गीय दीनानाथ श्रीवास्तवस्य पुत्रस्य अनुप श्रीवास्तवस्य अस्थि अहम विसर्जनम करिष्ये। अस्थि विसर्जन कीजिए। जानिकान च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। अग्निदग्धा च ये जीवा ये प्रदग्धा कुले मम भूमो दत्तेन तोयेन तृप्तायां तु परां गते। भैया मुझसे ये नहीं होगा मोहित, मैं उस अनुज की अस्थियां नहीं पा सकता जो ड्रग्स का धंधा करता था। सरकार लाखों रुपए खर्च करके हमें इसलिए तो ट्रेन नहीं करती कि हम 20-22 साल के लड़कों में गोली चलाएं। मैं उस अनुज की अस्थियां पाऊंगा जो मेरा छोटा भाई था। सिर्फ 10 साल की उम्र में तुझे एक बाप और बड़े भाई दोनों की जिम्मेदारी निभानी होगी। आज से अनुज की सारी जिम्मेदारी तुझको सौंप रहा हूं। इसकी लगाम खींच के रखना। मैं जानता हूं तेरे रहते
कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमारे खानदान की इज्जत पे कोई दाग लगे। जिसे अच्छा आदमी बनाने का मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था, मेरा अनुज जैसा भी था इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकता था। मैं जानता हूं मेरी परवरिश में इतनी कमी कभी नहीं हो सकती, लेकिन यह बात अब मुझे दुनिया के सामने साबित करनी पड़ेगी। मैं अपने अनुज को इस तरह माथे पे कलम लगा के इस दुनिया से नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मेरा भाई ड्रग्स का धंधा नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है।